अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा शबीर। प्रोग्राम आवाज़ अकल के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद है लाहौर के इलाका PP 145 और NA 117 में। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। आइए जानते हैं लोगों की राय कि आने वाली गवर्नमेंट किसकी होगी, उनका वोट किसको मिलेगा। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले, आप किस पार्टी को वोट? हम नवाज शरीफ को। उनको क्यों? बस मोहब्बत है, अच्छा काम करते हैं इस वास्ते। आपका वोट किसको? उधर ही है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। आपका वोट? नवाज शरीफ। मैं तरीक ले बाइक। ले बाइक को जी। उनको क्यों दे रहे? वो बहुत अच्छे हैं, कोई कम से कम मुल्क में ये तो होगा ना कि कुछ तरक्की की तरफ तो जाएगा ना, इस्लाम की तरफ जाएगा। आपको लगता है कि ये तरीके लबाई की गवर्नमेंट आएगी और महंगाई कम करेगी? इंशाल्लाह ताला आएगी। जी नाज़रीन, आइए और मज़ीद जानते हैं लोगों की राय कि उनका वोट किस पार्टी को है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका वोट किस पार्टी को? PTI को। उनको क्यों? देखिए, इमरान खान ने इस कौम के लिए ना अपना सब कुछ दाव पे लगा के, अगर वो चाहता ना डील करके बाहर भी चला जा सकता था। और आप ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरी कौम जानती है कि वो ना चोर है ना कुछ ना कुछ है, ये सिर्फ खुद साख्ता चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह वो हमारी वोट की ताकत से जो 8 फरवरी को इलेक्शन है बाहर भी आएगा और इस मुल्क को चला के दिखाएगा। तो आपको लगता है कि इमरान खान आएगा और ये महंगाई, लोड शेडिंग, बिजली, ये सब कुछ कम करेगा? देखिए, इनसे पूछे ना जो कहते हैं कि नून लीग या दूसरे, इनके पास ऑप्शन क्या है? ये 30-30 साल से, 60-60 साल से जब से पाकिस्तान बना, या ये होते हैं या दूसरे लोग होते हैं। तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ही इमरान खान की है जो हमारे मुल्क को जो एक रास्ते पर जो लगा सकता है। नाजी, इनका चाहिए और मुझे जानते हैं कि लोगों का वोट किस पार्टी को है। जय सलाम। वालेकुम सलाम। आपका वोट? इमरान खान, PTI। आप उनको वोट क्यों देंगे? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि आप इमरान खान को वोट? ओ तो सही है, वो मेरे अंदाज से तो मुल्क के लिए भी सच्चा है और हमारे लिए भी अच्छा है, लीडर है, पहले से भी उस हमारे से पसंद है बहुत बचपन से। आपको लगता है कि इमरान खान आएगा, महंगाई कम करे? इंशाल्लाह, उम्मीद तो रखता हूँ यही, उम्मीद तो यही रखता हूँ कि इंशाल्लाह महंगाई खत्म हो जाएगा। ये नाज़रीन, मुझे जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, आपका वोट किस पार्टी को? ये मत ही पूछे, जज्बात बहुत बुरे हैं, छोड़ दें, बस कैंसिल कर दें। आपका वोट किस पार्टी? PTI, इमरान खान। इमरान खान को? उन्होंने ऐसे कौन से काम किए कि आप उनको वोट दें? इमरान खान ने ऐसा क्या किया कि आप उसको वोट दें? इमरान खान ने जो भी किया बहुत चला किया। क्या किया? बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। उन्होंने 3.5 साल में ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं कि आपको वो अच्छा? चंगे तो सानू कोई भी नहीं पता, वोट होता ही है। आपको लगता है कि इमरान खान आएगा और महंगाई कम करेगा? आएगा, आप वोटा तो बाद बाहर वे पक्के काम। जी आपका वोट? इमरान खान। और आपका? इमरान खान। आपका वोट किस पार्टी? इमरान खान। आपका वोट किस पार्टी को? इमरान खान को। इमरान खान को? आपका वोट किस पार्टी? इमरान खान का। जी सलाम अलैकुम। आपका वोट किस पार्टी? ये सारा इलाका PTI का है। PTI को है? मेरा वोट PTI का। PTI को क्यों? PTI को इसलिए कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया हुआ है और एक सेहत कार्ड बनाया, सारा काम जितने भी किया PTI वालों ने किया है। आपको लगता है कि PTI की हुकूमत आएगी और वो महंगाई कम करेगी? आएगी या नहीं आएगी, वोट हम देंगे और उसके साथ हमारा जान भी मंजूर है उसके लिए। आइए नाज़रीन और मुझे जानते हैं लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका वोट किस पार्टी? इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं तो आप किस पार्टी को वोट दें? इमरान खान को। उनका क्यों? बस उसने सही को पहले अच्छे काम किए। ऐसे कौन से उन्होंने अच्छे काम किए हैं जो आप PTI को वोट दे रहे हैं? उसने जाके उधर बाहरले मुल्क में हमारे नबी का नाम बुलंद किया है, सही है ना, और आज तक किसी ने किया नहीं है इस तरह। तो जब इमरान खान था तब महंगाई थी? इससे कम थी। अब ज्यादा? अभी बहुत ज्यादा है। तो आपको लगता है कि इमरान खान आएगा और महंगाई कम करेगा? उम्मीद बड़ी है, काम करेगा 100% इंशाल्लाह। आपको वोट किस पार्टी का? अच्छा आदमी है इमरान खान। आपको वोट किस पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा वोट इमरान खान के लिए। उनको क्यों? वो एक ईमानदार लीडर है, मुस्लिम है, उम्मा का लीडर है,
उसने पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल लेवल पर लड़ा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। इस्लामोफोबिया के लिए उसने कानून साजी की इंटरनेशनल लेवल पर, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर हुआ। पाकिस्तान में जब उसकी हुकूमत थी कोरोना के सख्त हालात में, उसने मईशत को संभाला, उसने पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में करवाई। इसी वजह से इमरान खान को हम वोट देंगे। आपको लगता है कि इमरान खान आएगा दोबारा से और महंगाई कम करेगा? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि खान साहब के आने से जब वो आएगा तो वो मुल्क में इस्लाहात करेगा इंशाल्लाह, और महंगाई भी कम होगी और गरीब आवाम को फ़ायदा भी होगा। आपका वोट किस पार्टी का? नवाज शरीफ। उनको क्यों? बस वो अच्छा लगता है। जी सामने को। वालेकुम सलाम। आपका वोट किस पार्टी का? मेरा शेर को है। शेर को क्यों? यहाँ पर तो लोग ज्यादा पीटीआई को वोट दे रहे हैं, आप उनको क्यों दे? ये अपनी हर आदमी की अपने अपनी सोच है, ठीक है। हम कटर मुलीक है, ठीक है, वो चोर है, जो भी है ना, लोगों के लिए अच्छा सोचा उसने। आपको लगता है कि नवाज शरीफ आएगा और महंगाई कम करेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे तो वो आएगा। आपको वोट किस पार्टी? खान साहब। उनको क्यों? है खान है, हम भी खान है, वो भी खान। इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आप उनको वोट नहीं या ना किस वोट देते है? खान साहब को दे। आपको वोट किस पार्टी? शेर को। उनको क्यों? अबे शेर प्यार है। प्यार है उनके अलावा मतलब किसी को नहीं है। आप उनको वोट क्यों दे? उन्होंने ऐसे कौन से काम किए कि आप उनको वोट दे? वो काम किए उसे ये मोटरवे बनाई है, मेट्रो बनाई है, और इमरान खान ने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, चार पाई मुसाफिर खान ने बना दिए इसने। नाजी ये है पीपी 145। यहाँ पर ज्यादा लोग पीपीआई को वोट देने की बात करें, आइए मुझे जानते हैं लोगों से कि उनका वोट और किस पार्टी को है। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले आपका वोट किस पार्टी? हमारा इमरान खान। इमरान खान। और आप? इमरान खान का। आपका वोट किस पार्टी? इमरान खान का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका वोट किस पार्टी का? पीटीआई। उनको क्यों? उन्होंने काम किया, किसी ने की नहीं। उन्होंने कौन सा काम किया? सेहत कार्ड आपको दिए उन्होंने, मुसाफिर खाने उन्होंने बना दिए आपको, उन्होंने आपकी पूरी दुनिया में इज्जत करवा दिए। नवाज शरीफ ने क्या किया? सारा वो उसने कमीशन के लिए काम किया, मिसाल के तौर पर मोटर में उसने कमीशन कमाई है, जो भी काम उसने किया सिर्फ कमीशन के लिए। इमरान खान ने इंसानियत के लिए काम किया। तो इमरान खान ने सिर्फ खाली सेहत कार्ड बनाने की वजह से आप उनको वोट दिए? उसके अलावा मैं काम गिनवा देता हूँ। उसने आपको दिया था एहसास प्रोग्राम दिया था, उसने आपको कोरोना में उसने पैकेज आपको दिए थे। इंसानियत की कोई भी काम हो ना, उसका नाम सब सबल में आएगा। आपका वोट किस पार्टी? मैं इमरान खान पीटीआई को। उनको क्यों? उसको इसी तरह ये कोई काम कर दे या नहीं करा, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के जो इसके आगे लेके जाने जाते हैं, तो वही उजर है, मैं हमारा हुक्मरान है वही होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बात सुन ले जरा, उन्होंने कुछ काम तो नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। मेरा इससे इतफाक है कि कुछ काम तो नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है वो वाहिद लीडर है जो इमरान खान है, वो इमरान खान ही कर सकता है, बाकी जो है ना कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, आगे भी नहीं कर सकता। अगर उसको 10 मरतबा लेके आ, 5 मरतबा तो आ गया ही, ये 4-5 मरतबा तो नवाज शरीफ आ गया ही इस मुल्क में, खुदा की कसम। अगर वो आगे मरतबा 20 मरतबा भी लेके आ गया, 20 मरतबा, तो वो पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जा सकता। वाहिद इमरान खान है जो कर सकता है, इसको आगे लेके जा सकता है पाकिस्तान को, और हम पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान में मरना जीना हमारा पाकिस्तान है, और इमरान खान है बस, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि आपको लगता है कि इमरान खान आएगा और वो ये महंगाई, लोड शेडिंग, बिजली और सुई गैस का मसला हल कर पाएगा? वो तो करेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये पाकिस्तान जो आगे मुश्किल में बन चुका है, ये मुझे इसके निकालने वाला सिर्फ इमरान खान है, इसलिए हम इमरान खान के साथ है बस। आपको वोट किस पार्टी? मैं नून लीग पार्टी का हूँ। नाजिर, यहाँ तक जो है पीपी 145 में ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इमरान खान अगर गधे को भी खड़ा करेगा तो हमारा वोट उसी को है, कि कहते हैं कि हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान आएगा तो वो महंगाई कम करेगा। तो फिर भी लोगों का यही कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया गया, उनकी रहाई की जाए और उनकी हुकूमत आनी चाहिए। हम वोट अपना पीटीआई को देंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।